केला, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ही है। गाइज, ये हेल्थ टिप जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी आसपास की समस्याओं को सुलझाने में और नए नए इनोवेशंस करने में भारतीय युवा किसी से कम नहीं है, और कुछ ऐसे ही कर दिखाया चेन्नई के अरुण प्रभु ने। गाइस, अरुण प्रभु ने अपने एक ऑटो यानी कि 3-व्हीलर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया, जिसमें जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गाइस, जैसे ही आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने अरुण प्रभु की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ भी की, और उसके साथ साथ महिंद्रा की पिकअप और बोलेरो को इसी तरह से मॉडिफाई करने का अवसर भी दिया। गाइस, आपको अरुण प्रभु की ये कलाकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइज, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोटल्स ही बेच पाई थी, और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में ये कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइज, गिव अप नहीं करना कभी भी, लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी।